अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, ओपन योर बुक्स, द साइंस फैक्टर, यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स. यूनिट नंबर 3 विल बी डन लेटर. ओके, यस, अदर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स, वैसे तो हमने अभी तक लिविंग थिंग्स कौन सी पढ़ी हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस पढ़े, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स. अब हमने अदर लिविंग थिंग्स यानी इनके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी हैं? इनके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं वो हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. कुछ जो हैं इन जो दूसरे ये अदर लिविंग थिंग्स का जो टॉपिक है, इसमें जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें आम आँख से दिखाई देते हैं और कुछ जो हैं वो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते. दे आर माइक्रोस्कोपिक. ओके, हेयर इज लुईस पास्चर, साइंटिस्ट है ये. देर आर अ फ्यू लिविंग थिंग्स दैट आर एंड एनिमल्स और प्लांट्स. लेट्स आस्क लुईस पास्चर अबाउट दैम. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन हिस्ट्री. ही लिव्ड इन द 19th सेंचुरी इन फ्रांस. जी, 19th सेंचुरी के ये साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर. लुईस पास्चर ने हमें जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कॉन्सेप्ट दिया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ओके, तो आज हम इनको स्टडी करेंगे. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ना तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ही प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. इनकी अपनी ही कुछ खसूसियात हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे इनको एक नए क्लास में रखा गया है. फर्स्ट इज फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स. फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, ये हैं जी ऑर्गेनिज़म्स हैं. माइक्रोस्कोपिक फंगाई जो हैं ये जो हैं ये में आम आँख से दिखाई देते हैं. इनकी एग्जांपल्स में आ जाती है मशरूम्स वगैरह आ जाती हैं. बैक्टीरिया जो ये में आम आँख से दिखाई नहीं देते, दे आर माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट भी जो हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स हैं. डन, फर्स्ट हम देखते हैं जी फंगाई. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसकी प्रोनंसिएशन देखेंगे. फंगाई, इसको आप फंगी भी पढ़ सकते हैं, फंगाई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोथ एक्सेंट्स आर करेक्ट. फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासिफाइड फंगाई एज प्लांट्स. हाउएवर द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फंगाई, द मोर दे रियलाइज दे बिलोंग्ड इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन. हेयर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंसेस. जी, स्टार्ट में साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फंगाई को जो है वो प्लांट्स की जो क्लास है प्लांट्स में शामिल करते रहे, ठीक है, प्लांट्स में इसको क्लासिफाई किया गया. लेकिन जब मज़ीद इसके बारे में पढ़ा गया, मज़ीद इसको स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि फंगाई में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ना प्लांट्स वाली हैं और ना ही एनिमल्स वाली हैं. तो ये फंगाई एक अलग ही क्लास में क्लासिफाई होती है, ठीक है. यहाँ पर प्लांट और फंगाई के कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं. 3 डिफरेंसेज हैं, देख लेते हैं. प्लांट्स में देखते हैं क्या है. प्लांट्स हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. जी, डेफिनेटली आपको पता है प्लांट्स में स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ये और ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के मेन पार्ट्स हैं. फंगाई डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. फंगाई में तो ना स्टेम्स हैं, ना लीव्स हैं और ना ही रूट्स हैं. प्लांट्स हैं जी, सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स. कुछ जो पौधे होते हैं ये उन पर फूल लगते हैं, आपने पढ़ा था. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है. फंगाई डू नॉट हैव फ्लावर्स, फंगाई में बिल्कुल भी फूल नहीं होते. प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जी, आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड की प्रिपरेशन खुद करते हैं. फंगाई आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. फंगाई जो हैं वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो जब ये ना तो अपनी फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं, ना ही इन पर फूल लगते हैं और ना ही इनमें स्टेम, लीव्स एंड रूट्स हैं, तो फिर ये डेफिनेटली प्लांट्स की जो क्लास है उसमें क्लासीफाई नहीं होते. ये एक अलग से क्लास में स्टैंड करते हैं. डन, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47. हाउएवर वन थिंग दैट फंगाई हैव इन कॉमन विद सम प्लांट्स इज
दैट दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन. जी, प्लांट्स से इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक है जो मैच होती है वो कौन सी है? स्पोर्स है इसमें रिप्रोडक्शन के लिए. हमने पढ़ा कि प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग है. फ्लावरिंग प्लांट्स तो डेफिनेटली अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो सीड्स के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है. अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू, उनमें फूल ही नहीं है. बेसिकली फूल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर सीड्स बनते हैं. तो अब जिनमें फूल ही नहीं है वो किस तरीके से अपने रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करेंगे? वो स्पोर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है. तो अब फंजाई में क्या, फंगाई में क्या हैं? स्पोर्स हैं. तो अब ये करेक्टरिस्टिक उसकी जो है वो प्लांट से रिजेंबल करती है, बट स्टिल ये प्लांट की कैटेगरी में नहीं स्टैंड करती. यहाँ ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी ये मशरूम्स की, ठीक है. ये मशरूम्स जो हैं ये फंगाई की एग्जांपल्स हैं. मशरूम्स को फंगाई कहते हैं, ठीक है. कुछ जो मशरूम्स होते हैं वो ईटेबल होते हैं, यानी खाने के काबिल होते हैं, उनको आप कुक करके एज अ फूड यूज़ करते हैं. और कुछ जो होते हैं वो फैटल होते हैं, यानी उनको खाने से आपकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज दे आर पॉइजनस. Because they are unable to make their own food, fungi have to find their food. They do this by attaching themselves to other living things and living off their cells. जी, fungi क्या करते हैं? Fungi को definitely अपनी food की तो prepare नहीं कर सकती. अब उसको food की search यानी food के लिए क्या करना पड़ता है, तलाश, खुराक की तलाश करनी पड़ती है. और वो किस तरीके से अपनी फूड ऑब्टेन करती है, अपनी फूड हासिल करती है? दूसरे जो लिविंग और थिंग्स हैं ना, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या ह्यूमंस, इनफैक्ट ह्यूमंस में भी अटैच होती है और फिर वहाँ से अपनी फूड जो है वो लेती है. Some fungi attach themselves to animals, including humans. जी, कुछ जो फंगाई के जो फंगाई हैं वो animals और humans के साथ attach हो जाते हैं. If you do not wash properly and find that your body becomes itchy, it may be because a fungus is growing on you. जी, अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में वॉश नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे बात नहीं लेंगे, इसी तरीके से डर्टी बॉडी होगी आपकी, तो आपको इचिंग फील होगी, ख़ारिश होगी. और उसका क्या मतलब होगा कि जब आपको इचिंग होगी तो इसका मतलब है आपकी बॉडी पे फंगस लगना शुरू होगी, यानी फंगाई आपकी बॉडी के साथ अटैच होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है. और वो फिर जैसे जैसे फंगाई ग्रो करेगी वैसे वैसे आपकी बॉडी पे इचिंग भी ज़्यादा होगी. इसलिए आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे बात लें, अपने हैंड्स वगैरह, माउथ वगैरह, सब कुछ जो है, फेस वगैरह प्रॉपर वॉश करें. सम फंगाई अटैच देमसेल्व्स टू प्लांट्स, मशरूम्स एंड टोड स्टूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ फंगाई दैट डू दिस. इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन अ ट्री और अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री, यू विल नो दैट द मशरूम्स आर गेटिंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ दैट ट्री. जी, कुछ जो है वो फंगाई हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? वो प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं. मशरूम्स और टोड स्टूल्स जो हैं वो फंगाई की एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, ठीक है. ये अपनी जो नरिशमेंट है वो किधर से ऑब्टेन करते हैं? जो प्लांट सेल्स होते हैं जिस भी प्लांट के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसके सेल से अपनी नरिशमेंट लेते हैं, यानी अपनी फूड जो है वो वहाँ से लेते हैं फंगाई. डन, फंगाई को हमने देखा, पढ़ा फंगाई बेसिकली क्या है, ये कहाँ इसका हैबिटेट है, किसके साथ अटैच होती हैं और अपनी फूड को ऑब्टेन करती हैं, ठीक है. टूट स्टोल्स और मशरूम्स हमने इनकी एग्जांपल्स देखी. नेक्स्ट टॉपिक इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर एवरीवेयर बट यू कॉन्ट सी दैम. जी, बैक्टीरिया क्या हैं? ये माइक्रोस्कोपिक हैं क्योंकि ये हमारे हर तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन हम इनको ईजी हमारी जो आँख है उससे हम नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स दैट लिव ऑन एंड इन अदर लिविंग थिंग्स. माइक्रोस्कोपिक मीन्स दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. दे only have one cell. In comparison, a human is made up of trillions of cells. जी, bacteria का microscopic क्यों कहा जाता है? Because वो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते. That's why they are called microscopic organisms. ये
जो है सिंपल लाइफ फॉर्म है, यानी सिंपल इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यों है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन, यानी अगर हम ह्यूमंस जो हैं अपनी बॉडी देखें तो हमारी बॉडी बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स बॉडी हुई, तो जो बैक्टीरिया की बॉडी है वो सिंपल बॉडी है, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली ऑन वन सेल। The role of bacteria is to act as decomposers. जी decomposers होते हैं जो चीज़ को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, यानी जैसे जब कोई एनिमल वगैरह मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो कैसे ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो उस डेड बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज करते जाते हैं, और फिर उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और मिट्टी को वहाँ से फर्टिलिटी ऑब्टेन होती है। सो बैक्टीरिया का रोल क्या है, बैक्टीरिया किसके तौर पर काम करते हैं, डीकम्पोजर्स। They break down the chemical elements inside other organisms. Germs are bacteria. जी बैक्टीरिया की कौन से एग्जाम्पल्स क्या हैं, जर्म्स। बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स क्या हैं, जर्म्स हैं, और ये क्या करते हैं, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के इनसाइड अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको तोड़ फोड़ करके छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या थे, बैक्टीरिया बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। माइक्रोस्कोपिक क्यों, क्योंकि ये हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते। बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो सिंपल बॉडी है, क्योंकि वो एक ही सेल पर कंसिस्ट करती है। और इसके अलावा हमने बैक्टीरिया का रोल देखा, बैक्टीरिया किसके तौर पे काम करते हैं, डीकम्पोजर्स। डन, नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रोटिस्ट्स। बेसिकली प्रोटिस्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब प्रोटिस्ट के हम दो मेन टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी हैं, प्रोटोसुआ एंड एल्गी। Like bacteria, protozoa are microscopic single cell organisms. However, they do not live on other organisms. They are free living. That means they can easily move from one organism to another. Some protozoa are eaten by fish, others cause diseases in animals. Protozoa have an animal-like cell. जी protozoa में क्या हमने देखा कि ये माइक्रोस्कोपिंग, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने बैक्टीरिया देखा कि वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, इसी तरीके से प्रोटोजोआ भी जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ किसकी टाइप है, प्रोटिस्ट्स की, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये क्या करते हैं, ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ना उनके साथ अटैच होकर नहीं रहते, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, ये फ्री लिविंग है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जब ये फ्री लिविंग है तो डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ जा सकते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो दूसरे जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं उन वो उन्हें खा जाती हैं, और कुछ जो होते हैं वो डिजीजेज एनिमल्स में बीमारियां कॉज करते हैं, और इनका जो सेल है वो एनिमल्स के जैसा होता है, ठीक है। वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ इज द अमीबा। अमीबाज लिव इन वाटर अमंग रोटिंग फूड एंड इन ह्यूमंस। रोटिंग फूड यानी ख़राब जो बासी खाना है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा, ठीक है। अमीबा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की एग्जांपल है, और ये कहाँ पाया जाता है, पानी में भी है, ख़राब जो बासी खाना है उसमें भी, और इसके अलावा ह्यूमंस में भी ये मौजूद होता है। दे आर एडवांस इनफ टू हैव आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम ग्रेस्प फूड पार्टिकल्स एंड मूव। जी इनकी जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर अमीबा की, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके अलावा इसमें ये वैक्यूल है, एक फूड वैक्यूल है, ये जो इसकी आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स है ना ये इसको मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनकी मदद से ये किसी भी जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होना चाहिए कहीं भी मूव करना चाहे तो वो इन आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू मूव करता है, ठीक है, और अपनी फूड जो है वो फूड वैक्यूल से ग्रैब से यानी फूड वैक्यूल से उसको जो है वो फूड को ऑब्टेन करता है।
और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हमें आम आंख से दिखाई नहीं देगा। अगर आप कहीं से भी कोई भी डर्टी वाटर लेते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये सेम इसी तरीके इस पैटर्न पर स्ट्रक्चर नहीं होगी इसकी, ये अपनी जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई फिक्स या कॉन्स्टेंट शेप नहीं है, ठीक है। प्रोटोजोआ को हमने देखा, इसकी एग्जांपल क्या देखी, अमीबा हमने देखा। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रोटिस्ट की जो सेकंड टाइप है वो कौन सी, एल्गी, एल्गी को हम स्टडी करते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। एल्गी हैव अ प्लांट लाइक सेल, वाइल मोस्ट एल्गी हैव जस्ट वन सेल, सम हैव मल्टीपल सेल्स। एल्गी लिव इन वाटर एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट। जी, एल्गी की स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल, इसका सेल किससे रिजेंबल करता है, प्लांट सेल से रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि जो एल्गी है इसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर जो लीव्स हैं प्लांट के वो ग्रीन कलर के क्यों हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट का ग्रीन कलर जो है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो अब इन इसमें भी क्लोरोफिल मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ जो एल्गी के सेल्स होते हैं वो एल्गी हैं, उनकी बॉडी वन सेल्ड होती है, ठीक है, एक सेल पे डिपेंडेड है। और कुछ जो होते हैं मल्टीपल सेल्स, यानी काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एल्गी बॉडी बनाते हैं, ठीक हो गया। एल्गी जो है किधर मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं, और ये अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर मच लार्जर, यानी एल्गी के कुछ टाइप्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, यानी वो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती, ठीक है। और कुछ जो हैं वो लार्जर नहीं, यानी इतनी बड़ी हैं कि वो हमें आम आंख से दिखाई दे सकती हैं। सीवीड इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, सीवीड्स जो हैं वो एग्जांपल्स हैं एल्गी की। एल्गी को बेसिकली काई जो लगती है ना, काई, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठहर जाता है वहाँ पर ग्रीन कलर की जो है वो काई मल्ली टाइप जो है ना वो लग जाती है, तो वो उसको हम एल्गी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं पानी के ऊपर ऊपर छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो है वो बीन्स टाइप जो हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, ये एल्गी होता है, ठीक है। ये सीवीड्स होती हैं और इनका कलर ग्रीन है, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डन स्टूडेंट्स, आज हमने फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, इन तीनों को स्टडी किया है। फंगाई का भी हमने प्लांट्स के साथ डिफरेंस देख लिया कि प्लांट और फंगाई में क्या डिफरेंस है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा कि बैक्टीरिया क्या हैं और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोटिस्ट, देयर टू टाइप्स दैट आर प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटोजोआ को हमने अलग से स्टडी किया, एल्गी को हमने अलग से स्टडी किया, ठीक है। नाउ देयर आर क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक, ये क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। नाउ वी हैव अ लुक ऑन द इट, राइट डाउन, फर्स्ट इज द थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंगाई। जी, आपने प्लांट और फंगाई में थ्री मेन डिफरेंसेस बताने हैं, जी वो हमने स्टार्ट में पढ़ लिए। सेकेंड, द टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट की दो मेन टाइप्स बतानी है, वो हमने अभी अभी स्टडी किया है, कौन सी थी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। थर्ड, द नंबर ऑफ सेल्स दैट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कितने सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो वन सेल्ड होती है, एक सेल पे से बनी होती है। फोर्थ, द रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसके तौर पर काम करते हैं, मैंने आपको बताया ये किसके तौर पर काम करते हैं, दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स। फिफ्थ, टू थिंग्स दैट फंगाई अटैच देमसेल्व्स टू, फंगाई कौन सी दो चीज़ों के साथ खुद को अटैच करती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके। आज की आपकी स्टूडेंट्स डायरी है यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स, पेज नंबर 46, 47 एंड 48 टू रीड। यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स, पेज नंबर 46, 47 एंड 48 टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।